जनरेशन अभी ज्यादा आई थिंक कॉन्शियस हो गए इन सब चीजों के बारे में. एब्सोल्युटली, क्योंकि वो बदलाव, वो चेंज वो देख ही रहे. यंग लड़के वो कर रहे हैं. ऑफ कोर्स यंग लड़के सिक्स पैक के साथ रेडी आते हैं आजकल. जैसी गाड़ियां बनती है वैसे सिक्स पैक रेडी बनकर. अन्ना आप भी सिक्स पैक के साथ ही रेडी हैं पिछले 20 सालों से. हर कोई अगर बॉडी की बात करता है, यू आर द फिटेस्ट एक्टर इन आर इंडस्ट्री. और हम लोग बहुत मुश्किल होता है. आई फील वेरी कॉन्शियस एवरी टाइम आई लुक एट यू आल्सो कि भाई मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ. नहीं, आई थिंक इट इज ऑल्सो बिकॉज जो बदलाव है, जैसे कि मैं कह रहा था कि वो भी कम फिल्में कर रहे हैं, तो आज मौका मिलता है कि आप एक फिल्म पे काम करें, उसके किरदार पर काम करें, उसके लुक पर काम करें. एक साथ में 20 साल 15 साल पहले तो हम लोग एक साथ में 30 फिल्में करते थे. बैंड वही रहता था, शर्ट बदल कर हम लोग अगला शॉट देने जाते थे. एक ही स्टूडियो में मैंने साथ साथ तीन तीन फिल्मों की शूटिंग. तो कैरेक्टराइजेशन में थोड़ा कंफ्यूजन ही होती थी क्या? बिल्कुल नहीं, वो डायरेक्टर का काम था. हम लोग सोचते नहीं थे, हम लोग काम करते रहते थे. पर ये चीज अगर आप इंटरनेशनली भी देखें, जितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, मतलब रॉबर्ट डिनीरो को, अगर जॉनी डेप देखो, जॉनी डेप देख लो, रॉबर्ट डिनीरो को आप रेजिंग बुल में देख लो और अदरवाइज देख लो क्या 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 परफॉर्मेंस है. ब्रैड पिट को आप ट्रॉय में देख लो और दूसरी फिल्मों में, लियोनार्डो डिकैप्रियो साल में एक ही फिल्म करते हैं. हाँ, तो पॉइंट क्या है कि एक चीज सालों को चीजें समझ में आती है कि जो कैरेक्टर है, किरदार है, उसको अगर जीवित करना है तो उसके अंदर जाना पड़ेगा, ना कि कैरेक्टर, और कैरेक्टर को अपने अंदर लाना पड़ेगा. सो इफ दैट हैपेंस देन द पीपल स्टार्ट सीइंग कैरेक्टर्स. अन्ना हमेशा बोलते हैं कि हेरा फेरी का सबसे बड़ा सक्सेस होने का कारण ये है कि उसमें तीन एक्टर्स जो हैं उनकी शक्लें से ज्यादा कैरेक्टर्स दिमाग में आते हैं, चाहे वो बाबू भाई हो. बाबू भाई, राजू और शाम, यही तो याद रहता है. अक्षय, सुनील, परेश भूल जाते हैं. और केमिस्ट्री भी इतनी कमाल की आई थी तीनों के बीच में. ऑफ कोर्स कैरेक्टर तो ठीक रहते, लेकिन केमिस्ट्री अगर बैठ जाए. एक सवाल मैं आपके एज अ डायरेक्टर पूछना चाहूंगा. यू कम बैक वेरी हैवी फिल्म, ठीक है, आप सीरियस किस्म के मुझे इंसान ऐसे लगते नहीं ऑल द टाइम, लेकिन आप फिल्में ऐसे बनाते हैं. दूसरे डायरेक्टर्स जो है बिल्कुल ही अलग जोन पर जा चुके हैं अभी. दे आर टैपिंग द यंगर जनरेशन, मेकिंग कॉमेडी एंड यंगर फिल्म्स. एक बड़ा टॉपिक आया था, यू नो, दो तीन दिन पहले टेलीविजन पे, कि क्या 40 प्लस हीरोज बहुत स्टिफ कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम दीज यंगस्टर्स, या फिर 40 प्लस हीरोज एंड द सुपरस्टार्स विल कंटिन्यू टू बी सुपरस्टार्स और यंगस्टर्स इनकी जगह नहीं लेंगे. एज अ डायरेक्टर, व्हाट डू यू? It is difficult to accept the change, but the change is bound to happen. Having said that, जो 40 plus actors ने जितनी मेहनत करके body of work create करके जो अपनी जगह बनाई है, वो जगह उनसे कोई छीन नहीं सकता. It is impossible to do that. क्या एक Friday छीन सकता है उसको? नहीं, एक Friday से अन्ना को फर्क नहीं पड़ता, अजय देवगन को फर्क नहीं पड़ता, सलमान भाई को फर्क नहीं पड़ता. एक फिल्म अगर नहीं चलती तो दो फिल्में और जो है वो चल जाएंगी. कभी कभी कोई कोई फिल्म चलने ना चलने का कारण जो है वो सिर्फ एक क्रिएटिव कंटेंट ही नहीं होता है. देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट गो इनटू मेकिंग अ फिल्म सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल फिल्म. दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट द पॉइंट बी कि जो लोग नए आते हैं उनको अपनी जगह बनाने को टाइम लगता है, और जब वो अपनी जगह बनाते हैं देन दे आर ऑब्वियसली देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट अगर वो अपनी जगह किसी और को एप करके बनाने की कोशिश करते हैं देन दे आर लॉस्ट. Then they are not going to get anywhere. ऐसे बहुत एक्टर्स हैं, but you have not answered that question. Why do you always choose heavier subjects? आपको light comedy, हसमुख चीजें ये नहीं पसंद आते? नहीं, किसने कहा नहीं? मुझे वो सब्जेक्ट ही नहीं मिला जिसमें मैं लोगों को हंसाने गुदगुदाने का काम करूं. जिस दिन मुझे वो सब्जेक्ट करेक्ट किस्म का मिलेगा तो वो फिल्म भी बनाऊंगा मैं. I want to ask you, considering इन्होंने बात की अबाउट ओरिजिनल पर्सनैलिटी टाइप्स और आप उनमें से बिल्कुल खड़े उतरते हैं, आने वाले लॉट में या नए लॉट में जो है ऑलरेडी, आपको किसकी स्टाइल बहुत पसंद लगती है, अनोखी लगती है? आई थिंक रणवीर में वो एनर्जी है, यू नो, कि जो भी करता है, व्हाटएवर ही डज इज 100%. रणवीर में वो बात है कि घुसते हैं कैरेक्टर में. यहाँ लग रहा है कि बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर, सोचने वाला एक्टर. सलमान वर्सेस शाहरुख बन सकते हैं दोनों? मुश्किल है, क्योंकि जमाना भी अलग है. लाइक आई सेड, हम लोग सिंगल थिएटर के जमाने से आते हैं जहाँ पांच या छह हीरोज हमेशा डोमिनेट करते रहे. आज आपके पास एक 25 का चॉइस है, तो ऑडियंस के लिए भी, ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं मानता हूं मीडिया मेड भी है. जब तक उनकी प्रमोशन चलती रहेगी वो चलते रहेंगे. कभी कभार ऐसे होता है, यंग लड़कों के साथ मैंने देखा है, साथ साथ जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं तो सिक्योरिटी उन्हें पीछे खींच लेती है ये सोच के कि ये फैंस है. You know, on, खास करके लड़कियों को तो आप देखोगे कि मेबलिन, लोरियल, लैक्मे के मॉडल्स लगते हैं सब जी. वो जो भी बाल का लुक हो या फैशन हो, फैशन हाउसेज
आर डिसाइडिंग उनका स्टाइल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए. ये साल ये सीजन में गाउन होगा और पिंक विल बी द कलर, तो सब वैसे ही पहनेंगे. अपना स्टाइल स्टेटमेंट कुछ नहीं है. आज अगर मिमिक्री की बात करें तो आप देखिए संजू की हो या सलमान की हो या मिथुन दादा की हो या मेरी हो, या लोग नकल करते हैं. नकल इसलिए करते क्योंकि हमारे पास अपना एक स्टाइल है. लास्ट टाइम हमने बात की थी तो आप अतिया के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे थे, आपकी बेटी. अब उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है. जल्दी खत्म भी होगी. कैसे आप एज अ डैड एंड अ डॉटर क्या क्या बातें होती है एंड हाउ यू फीलिंग? वेरी वेरी गुड, क्योंकि यू नो आई एम हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि आई लेट हर चूज व्हाट शी वांटेड टू डू. बहुत लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री सेफ जगह नहीं है, लेकिन जो सुनील शेट्टी पिता है तो आई थिंक बहुत ही सेफ जगह है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, नजदीकी से देख चुका हूँ. एंड अच्छी प्रोडक्शन हाउस, यू नो सलमान जो एक भाई की तरह है मेरा, इट्स लाइक माई ओन प्रोडक्शन हाउस. निखिल अडवाणी वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स, जो जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, जिसने कलोने हो भी की और डीडे भी की. You know, so a fantastic unit that she's working in. लेकिन अतिया के बारे में कुछ बताइए, वो आप पापा के और एक्शन गर्ल है कि क्या? What is she like behind the scenes अगर आप पूछे? She is a live wire. Comedy की tremendous timing है, and I honestly believe कि जिसकी comedy timing अच्छी है, you know, वो बहुत ही आसानी से mold हो सकती है. And basically a director's baby, she's been brought up with the right atmosphere, right kind of confidence. The only thing I tell her is don't be scared of that Friday, because that Friday doesn't rule your life, you know. So that's the only thing.